कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ ने सोमवार को बीजेपी और कांग्रेस के घोषणा पत्र में स्वास्थ्य योजनाओं को लेकर किए वादे पर राजधानी रायपुर स्थित कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। प्रेस वार्ता में चिकित्सा प्रकोष्ठ ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कई महत्वपूर्ण चीजों का वादा किया है। इसमें बच्चों का 100% टीकाकरण समेत पैरामेडिकल स्टाफ और जरूरी स्टाफ की भर्ती करने का वादा किया है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इस दौरान चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पैरामेडिकल स्टाफ और जरूरी स्टाफ की भर्ती करने का वादा किया है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इससे नए मेडिकल कॉलेज खोलने की भी अनुमति मिलेगी। अस्पताल पैरामेडिकल वर्कर्स और जूनियर डॉक्टर चलाते हैं, तो आंगनबाड़ी मिड डे मील रसोईया और पैरामेडिकल वर्कर्स के आय के बारे में उनका मान जो दुगना किया जाए और उनकी तनख्वाहों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु इस पर जोड़ा गया है। मेडिकल और पैरामेडिकल भर्तियां की जाएंगी। सभी जानते हैं कि एम्स जैसी संस्था में अभी भी 45% रिक्तियां हैं और अस्पतालों का न चलना, मेडिकल कॉलेज अस्पतालों का न चलना केवल इनके पद न भरे जाने के कारण होता है। इमरजेंसी सर्विसेज नहीं होती, तो इसमें जो कहा गया है कि सभी रिक्तियां भरी जाएंगी और मेडिकल कॉलेज तब तक खुलने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक 75% भर्तियां वहाँ पूरी नहीं हो जाती। अभी जितने भी मेडिकल कॉलेज खुले हैं पिछले 10 साल में 319 मेडिकल कॉलेज खुले हैं, उसमें 50-70% रिक्तियां हैं। अभी आप लोग देख रहे थे कि हेडिंग थी कि कांगेर मेडिकल कॉलेज में प्रथम 3 वर्ष के छात्रों के शिक्षक ही नहीं थे, लेकिन फिर भी बच्चे पास हो गए। तो वहाँ शिक्षक ही नहीं है मेडिकल कॉलेज में, तो सभी रिक्तियाँ 75% हो जाएगी। हम सब जानते हैं कि जो दूरस्थ अंचलों में चिकित्सा व्यवस्था है वो ज्यादातर पैरामेडिकल वर्कर्स संभालते हैं और छोटे मोटे इलाज करते हैं, तो ये मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे भारतीय कांग्रेस ने इसको एड्रेस किया है और चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। सभी प्रकार की चिकित्सा प्रणालियों को प्रोत्साहित करना कांग्रेस का एक मुख्य उद्देश्य रहा है स्वास्थ्य व्यवस्था में, तो चिकित्सा प्रणालियों को एक दूसरे के ऊपर निर्भर हुए बगैर उनको मजबूत किया जाएगा, ये भी बात कही गई है। आप लोग पिछले दिनों देख रहे हो कि फार्मा उद्योग में दवाइयों का स्तर और दवाइयों के दाम के बारे में बहुत सारी बातें मीडिया में कही गई है। दवाइयों की गुणवत्ता और उनकी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के लिए भी कांग्रेस ने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाया है कि इस पर फिर से किया जाएगा और जो फार्मा उद्योग है उसकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। केंद्र सरकार के अवस्थाएं आप देख रहे होंगे, ईएसआई और दूसरे जो सीमेंट डिस्पेंसरी है उनकी बहुतायत नहीं है। रायपुर जैसे शहर में इसकी कमी है, इसकी और डालों की संख्या बढ़ाई जाएगी और इसमें ब्रांडेड और अच्छी जेनेरिक दवाइयों की उपलब्धता रखी जाएगी। टीकाकरण आप देख रहे होंगे, कोविड के बाद और कोविड के पहले एक बहुत सेकेंडरी चीज रह गई है और टीकाकरण न होने के कारण 76% से अधिक प्रतिशत हम लोग नहीं बढ़ा पाए, उसको 100% किया जाएगा। और टीकाकरण शिशु में यंग गर्ल्स में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हो चला है, तो इसके लिए प्रयास किए जाएंगे और कांग्रेस सुनिश्चित करेगी 100% बच्चों का इम्यूनाइजेशन हो सके। जो कुपोषण है ये थोड़ा अंग्रेजी वर्ड है, 18वें बिंदु में स्टैंटिंग और वेस्टिंग ये कहा जाता है कि जो बच्चे अपने उम्र के हिसाब से ग्रोथ नहीं कर पाते, कुपोषण के कारण होता है। जो आप देख रहे हो मिलेट मिशन चला या फिर यहाँ पर एनीमिया दूर करने के लिए मिशन चला, तो वो भी स्वास्थ्य के बिंदु में कवर किया गया है, हमारे लिए बहुत खुशी और हर्ष की बात है। सबसे महत्वपूर्ण पिछले 10 साल में ये रहा है, 19वां बिंदु है, हालांकि ये और ऊपर होना चाहिए था। डॉक्टरों पैरामेडिकल वर्कर्स को अपने कार्यस्थल में हिंसा का शिकार होना पड़ता है। आपने देखा होगा 6 साल पहले ऑल इंडिया स्ट्राइक हुई थी जिसमें डॉक्टरों ने पूरे दिन काम नहीं किया था